ल टू फर्नीचर डिस्ट्रीब्यूटर्स फेदेलाइट लिमिटेड ऑफिस फर्नीचर प्रोड्यूस करता है और उसको फर्नीचर डिस्ट्रीब्यूटर्स को होलसेल में बेचता है कंपनी मैनेजमेंट इज अ प्रपोजल टू परचेज अ जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम टू बेटर सर्विस इट्स कस्टमर कंपनी मैनेजमेंट एक प्रपोजल रिव्यू कर रहा है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम खरीदने का

कंप्यूटर सिस्टम और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट ठीक है फिर कंप्यूटर सिस्टम में क्या इंक्लूड है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और ये कॉस्ट कितना करता है थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट विल कॉस्ट फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड मटेरियल हैंडलिंग कितना कॉस्ट करेगा फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड बोथ ग्रुप ऑफ इक्पमेंट विल हैव थ्री ईयर यूजफुल लाइफ डेप्रीसी स्ट्रेट लाइन कैलकुलेटेड एज्यूमिंग रुपी जीरो टर्मिनल डिस्पोजल वैल्यू ये जो दोनों ग्रुप इक्विपमेंट के हैं कंप्यूटर सिस्टम और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट उनकी यूजफुल लाइफ है थ्री ईयर्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे एज्यूम करके की टर्मिनल डिस्पोजल वैल्यू यानी एट द एंड ऑफ थ्री इयर्स डिस्पोजल वैल्यू कितनी है ज़ीरो एट द एंड ऑफ द थ्री ईयर्स द न्यूली एक्वायर्ड मटीरियल हैंडलिंग इक्वमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड फॉर रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड द कंप्यूटर सिस्टम विल हैव अ रुपीज़ जीरो टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ थ्री ईयर्स मतलब क्या तीन साल के एंड में मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट तो पचास हज़ार में बिक जाएगा लेकिन कंप्यूटर सिस्टम की टर्मिनल डिस्पोजल वैल्यू जीरो ही है अदर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड ओवर द नेक्स्ट थ्री इयर्स फॉर दिस प्रपोजल इंक्लूड द फॉलोइंग अदर फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड आर एस फॉलोस। ड्यू टू द सर्विस इम्प्रूवमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम दिस जे सिस्टम कंपनी विल रियलाइज अ रुपीज एट लैक रिवेन्यू इनक्रीज कंटिन्यू टू ग्रो बाई टेन पर ईयर आफ्टर मतलब जी सिस्टम के वजह से जो सर्विस का इंप्रूवमेंट हुआ उससे रेवेन्यू इंक्रीज हुआ कंपनी का एट लैख ,00 से और हर साल ये रेवेन्यू टेन परसेंट से इंक्रीज होगा यानी एट लैख फिर नेक्स्ट ईयर एट लैख प्लस टेन परसेंट उसके नेक्स्ट ईयर एट लैख प्लस टेन परसेंट प्लस टेन परसेंट राइट द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इज फिफ्टी परसेंट फाइन देन

सपोज ये जीरो तीयर वे फर्स्ट ईयर का एंड ये सेकेंड और ये थर्ड ईयर का है बोल रहा है वन टाइम डिक्रीज है यहाँ पे वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का मतलब वन लाख फिफ्टी थाउजेंड की वर्किंग कैपिटल यहाँ रिलीज़ हो गई वैसे तो जो भी वर्किंग कैपिटल यहाँ इंट्रोड्यूस होती है वो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट यानी यहाँ पे रिलीज़ होगी लेकिन अभी ये रिलीज हो गई है फर्स्ट ईयर के एंड में वन फिफ्टी थाउजेंड होल दे विल बी अर ट्वेंटी परसेंट सेविंग्स इन वेयर हाउस रेंट ड्यू टू लेस स्पेस बिंग नीडेड द करेंट रेंट इज रुपीज टेन लैक अभी रेंट कितना है वेयर हाउस का टेन लैक और जे आई टी में क्या कम स्पेस लगेगी तो ट्वेंटी परसेंट सेविंग होगी वेयर हाउस के रेंट में कंपनी यूजेस एन आफ्टर टैक्स 10% एंड सब्जेक्ट टू सो इनकम टैक्स रेट ऑफ 50%. आफ्टर टैक्स रिटर्न 10% है और इनकम टैक्स रेट है फिफ्टी परसेंट एज्यूमर एंड फॉर टैक्स परपजेप्टॉर एनी इनिशियल परचेज अमाउंट एज्यूम क्या किया जाता है कि सारे कैश फ्लो ईयर एंड पे होते हैं एक्सेप्ट कोई इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कहाँ हुआ हो स्टार्ट ऑफ द ईयर में हुआ

be sure to show all of your computation and determine whether company should purchase the JIT system. आपको सारे computations दिखाने और बताना है कि क्या company को JIT system purchase करना चाहिए। ये सिर्फ JIT system का question नहीं है। इसमें पूरी capital budgeting की चीजें हैं, discounting factor use करना है, present net present value after tax effect। ये है JIT system with what capital budgeting, right? So इसके लिए पहले क्या करना होगा आपको जितने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका टेबल बनाते हैं पहले राइट सो स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ईयर वन टू और थ्री तीन साल दिए हुए हैं पर्टिकुलर्स अभी सबसे पहले रेवेन्यू क्या बोला किससे इंक्रीज़ हो जाएगा एट लाख से रेवेन्यू इंक्रीज़ हो जाएगा अमाउंट रुपीज़ में राइट सेकेंड ईयर टेन परसेंट से इंक्रीज होगा सो इट विल बी एट लाख एटी थाउजेंड एट लाख प्लस टेन परसेंट देन एट लाख एटी थाउजेंड प्लस टेन परसेंट किया तो नाइन लाख सिक्सटी एट थाउजेंड राइट अभी कॉन्ट्रीब्यूशन एट द रेट फिफ्टी परसेंट तो ये होगा एट लाख ,00 का फिफ्टी परसेंट फोर लाख एट लाख एटी थाउजेंड का फिफ्टी परसेंट फोर लैख फोर्टी थाउजेंड देन नाइन लैख सिक्सटी एट थाउजेंड का फिफ्टी परसेंट फोर लाख एटी फोर थाउजेंड राइट यहाँ पे रेवेन्यू का फिफ्टी परसेंट ले लिया कंट्रीब्यूशन मार्जिन अभी क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और क्या होगा अभी ये ले लिया फिर सेव ये ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगा ट्वेंटी थाउजेंड से राइट ये एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज, हर साल बीस हजार से इंक्रीज हो रहा है राइट नाउ दे विल बी वन टाइम डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये हम देखेंगे दूसरे टेबल में राइट right? ये रेवेन्यू में नहीं देखेंगे फिर वेयर हाउस का रेंट ट्वेंटी परसेंट सेव हो गया टेन लैख है ट्वेंटी परसेंट सेव हुआ यानी टू लैख सेविंग्स इन वेयर हाउस रेंट डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कितना है टोटल इक्पमेंट कितने कॉस्ट के हैं थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड प्लस फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड और जीरो डिस्पोजल वैल्यू है सो so दोनों को ऐड करें स्ट्रेट लाइन मैथड है थ्री ईयर यूजफुल लाइफ है डिवाइडेड बाय थ्री राइट स्ट्रेट लाइन मैथड है तो सिंपल है डिप्रीसी थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड प्लस फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई थ्री नाइन लाख डिवाइडेड बाई थ्री कितना थ्री लाख राइट, सो अभी ये क्या आ गया कैश फ्लो बिफोर टैक्स डेप अब आप बोलोगे कि मैम डेप्रिसिएशन तो कैश फ्लो है ही नहीं राइट क्योंकि डेप्रिसिएशन में ना कैश इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है लेकिन अगर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना ही पड़ेगा क्योंकि टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कैलकुलेट होता है और उसके बाद आप टैक्स को एड बैक कर देंगे उसका दूसरा मेथड भी है मैं आपको बताऊँगी देखिए अभी ये फोर लैक माइनस ट्वेंटी थाउजेंड प्लस टू लेख प्लस थ्री लेख सॉरी ये माइनस है सो फोर लेख माइनस ट्वेंटी थाउजेंड प्लस टू लेख माइनस थ्री लेख टू लैख एटी थाउजेंड फोर लैख फोर्टी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड प्लस टू लेख माइनस थ्री लैख थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड Four lakh eighty four thousand minus twenty thousand plus two lakh minus three lakh. Three lakh sixty four thousand. Tax at the rate fifty per cent. One lakh forty thousand, one lakh sixty thousand, or one lakh eighty two thousand. Right, so cash flow. आफ्टर टैक्स किता होगा टू लैख एटी थाउजेंड माइनस वन लैख फोर्टी थाउजेंड वन लैख फोर्टी थााउसेंड वन लैख सिक्सटी थाउजेंड एंड वन लैख एटी टू थाउसेंड नाउ एड बैक डेप्रीसीएशन राइट एड बैक डेप्रीसीएशन थ्री लैख थ्री लैख थ्री लैख वन फोर्टी प्लस थ्री कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फोर लैख फोर्टी थाउजेंड वन सिक्सटी प्लस थ्री फोर लैख सिक्सटी थाउजेंड देन वन हंड्रेड एंड एटी टू थाउजेंड प्लस थ्री फोर लैख एटी टू थाउजेंड राइट नाउ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट टेन परसेंट पहले मैं आपको बता रही हूँ ही ये डेप्रिसिएशन का दूसरा मेथड क्या है पहले हमने क्या किया डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया और फिर एड बैक कर दिया वापस क्यों माइनस किया था क्योंकि टैक्स तभी निकल सकता है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद तो अभी दूसरी मेथड क्या हो सकती है कि आपने ये जो माइनस किया उसमें टैक्स माइनस हुआ ये थ्री लैख में से भी फिफ्टी परसेंट माइनस हुआ क्योंकि टैक्स फिफ्टी परसेंट डिडक्ट हो रहा है यानी माइनस कितना हुआ वन लाख फिफ्टी थाउजेंड और एड बैक कितना हुआ थ्री लाख राइट सो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड माइनस थ्री लाख एड बैक देखिए वन लाख फिफ्टी थाउजेंड क्यों क्योंकि थ्री वन थ्री लैख माइनस हुआ लेकिन उसमें से टैक्स इफेक्ट भी है फिफ्टी परसेंट सो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड माइनस हुआ और बैक हुआ थ्री लाख यानी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड एड बैक हुआ इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स इफेक्ट तो थ्री लाख इंटू वन माइनस पॉइंट फाइव ठीक है तो क्या आ जाएगा वन लाख फिफ्टी थाउजेंड और ऐसे उसको एड कर देंगे आपको ये माइनस करना नहीं पड़ेगा राइट right? सो so, अभी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देख रहे हैं हम फोर लैख फोर्टी थाउजेंड वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट वन इज इक्वल टू पॉइंट नाइन जीरो नाइन पॉइंट एट टू सिक्स पॉइंट सेवन फाइव वन कैसे करेंगे वन डिवाइडेड बाय पॉइंट वन इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू ना बी प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो की आप कैसे निकालेंगे देखिए Four forty thousand into point nine zero nine is equal to three lakh ninety nine thousand nine sixty. Four sixty thousand into point eight two six, which is equal to थ्री लैख सेवेंटी थाउजेंड नाइन सिक्सटी फोर लैख एटी टू थाउजेंड इन टू पॉइंट सेवन फाइव इक्वल टू थ्री वन थाउजेंड नाइन एटी टू राइट अभी इनका टोटल कर देंगे हम थ्री लैख नाइन्टी नाइन थाउजेंड नाइन सिक्सटी प्लस थ्री लैख सेवेंटी नाइन थाउजेंड नाइन सिक्सटी प्लस थ्री लैख सिक्सटी वन थाउजेंड नाइन एटी टू विच इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कितना होगा इलेवन लैख फोर्टी वन थाउजेंड नाइन जीरो टू राइट इलेवन फोर्टी वन थाउजेंड नाइन जीरो टू क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस कुछ फिगर्स में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्यों क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट टेन परसेंट कोई तीन डिजिट लेता है कोई चार डिजिट लेकिन जनरली क्या थ्री डिजिट ही लेना है एग्जाम में तो हमने देखा स्टेटमेंट रेवेन्यू कैश फ्लोज का अब हम देखेंगे स्टेटमेंट वन टाइम कैश फ्लोज का जैसे मटेरियल एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड कंप्यूटर सिस्टम खरीदना उसको बेचना वर्किंग कैपिटल का रिलीज राइट सो स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज पी वी एफ एट द रेट टेन परसेंट एंड प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट किस में रुपीज में सबसे पहले जीरो ईयर में क्या खरीदा कंप्यूटर सिस्टम और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट राइट कंप्यूटर सिस्टम खरीदा थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड में मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट खरीदा फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड में जीरो ईयर पे पी वी एफ एट द रेट टेन परसेंट हो या पी वी एफ एट द रेट ट्वेंटी परसेंट हो जीरो ईयर में इट इज़ ऑलवेज़ वन सो प्रेजेंट वैल्यू है थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड एंड फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड थर्ड ईयर के एंड में बेचा मटीरियल हैंडलिंग इक्ुपमेंट कितने में एट द रेट 50,000 और ये क्या पूरे 50,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आपको मिल जाएंगे क्या नहीं क्योंकि इसमें टैक्स माइनस होगा एट द रेट 50 परसेंट सेल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट सो 50,000 माइनस 50,000 इन 2.5 यानी कितना 25,000 और पी वी एफ एट द रेट टेन परसेंट थर्ड ईयर के एंड में पॉइंट सेवन फाइव वन सो इट इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इन पॉइंट सेवन फाइव वन विच इज इक्वल टू एटीन थाउजेंड सेवन सेवेंटी फाइव राइट इसमें थोड़े डिजिट का इधर उधर अंतर इसलिए आ सकता है सबका क्योंकि डेसिमल के बाद कोई तीन डिजिट लेता है कोई चार पांच ले लेता है कोई दो आइडियली तीन लेना इज इनफ दो नहीं लेंगे फर्स्ट ईयर के एंड में वर्किंग कैपिटल रिलीज वर्किंग कैपिटल के बारे में हम ये देखेंगे कि जैसे ये तीन ईयर है जीरो वन टू थ्री सो वर्किंग कैपिटल कभी भी इंट्रोड्यूस हुई हो जीरो ईयर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कभी भी इंट्रोड्यूस हुई हो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट रिलीज होती है वैसे ही वर्किंग कैपिटल बीच में कभी भी रिलीज हुई हो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट रीइंट्रोड्यूस होगी राइट कभी भी इंट्रोड्यूस हुई हो, एट द एंड रिलीज होगी कभी भी रिलीज हुई हो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट रीइंट्रोड्यूस होगी सो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड यहाँ रिलीज हुआ ये वन ईयर का एंड है सो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इंटू पॉइंट नाइन जीरो नाइन ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई इसकी थर्टीन लाख सिक्सटी थ्री थाउजेंड सॉरी वन लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड थ्री फिफ्टी और जब रिलीज होगी ए सॉरी जब री इंट्रोड्यूस होगी अभी तो रिलीज हुई है 1, 50, 000, उसकी 1, 36, जब तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इन टू ये थर्ड ईयर का एंड है पॉइंट सेवन फाइव वन वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स फिफ्टी ये हमको मिली थी राइट right? रिलीज हुई और ये री इंट्रोड्यूज हुई तो मिली कितनी नेट वन लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड थ्री फिफ्टी माइनस वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स फिफ्टी आप ये देखिए कि जब भी इंट्रोड्यूस होगी एट द एंड रिलीज होगी जब भी रिलीज होगी एट द एंड री इंट्रोड्यूस होगी तो ये तो हमको मिल गई थी रिलीज हो गई एट द एंड री इंट्रोड्यूस हुई तो उसका प्रेजेंट वैल्यू इतना है सो नेटिंग ऑफ करके प्रेजेंट वैल्यू कितना है वर्किंग नोट में दिखाएंगे 23700 राइट right? यानी ये कैश आउटफ्लो है ये आउटफ्लो है ये इनफ्लो है क्योंकि ये इनकम है ये भी इनफ्लो है राइट right? क्योंकि ज्यादा मिला कम गया क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू लेंगे अभी वर्किंग नोट रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल 150000 इन 2.909 तो कितना आएगा वन लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड थ्री फिफ्टी और री इंट्रोड्यूस करेंगे उसको एट द एंड ऑफ द पीरियड री इंट्रोड्यूस वर्किंग कैपिटल सो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड एट द एंड कितना है पॉइंट सेवन फाइव वन है पी वी एफ सो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इंटू पॉइंट सेवन फाइव वन विच इज इक्वल टू वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स फिफ्टी सो जब भी माइनस करेंगे तो कितना फिफ्टी माइनस वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स फिफ्टी इक्वल टू ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड ये क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ये इनफ्लो है राइट right? सो so ये दोनों आउटफ्लो ये इनफ्लो जब ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ये आउटफ्लो है या इनफ्लो देखना पड़ेगा थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड प्लस फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड राइट सॉरी 18,775 माइनस 23,700 माइनस 3 लाख 50,000 माइनस 5 लाख 50,000 विच इज इक्वल टू 9 लाख फोर तो ये क्या नेगेटिव में है मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है ये राइट right? ये इनफ्लो है ये इनफ्लो है इन लैख माइनस एटीन थाउजेंड सेवन सेवेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड विच इज इक्वल टू आई एम सॉरी एट लैख्टी सेवन थाउजेंड फाइव ट्वेंटी फाइव राइट क्योंकि ये दोनों है इनफ्लो और ये दोनों है आउटफ्लो तो आउटफ्लो आएगा एट लाख फिफ्टी सेवन थाउजेंड फाइव ट्वेंटी फाइव अभी एनपीवी कितना होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अभी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो पहले स्टेटमेंट में लिखी है की प्रेजेंट वैल्यू एलेवन लाख फोर्टी वन थाउजेंड नाइन जीरो टू और आउटफ्लो की लिखी है दूसरे स्टेटमेंट में एट लाख फिफ्टी सेवन थाउजेंड फाइव ट्वेंटी फाइव सो प्रेजेंट वैल्यू कितनी नेट प्रेजेंट वैल्यू इलेवन लैख फोर्टी वन थाउजेंड नाइन जीरो टू माइनस एट लैख फिफ्टी सेवन थाउजेंड फाइव ट्वेंटी फाइव विच इज इक्वल टू टू लैख एटी फोर थाउजेंड थ्री सेवेंटी सेवन रुपीज तो एनपीवी है पॉजिटिव हमको क्या करना चाहिए कंपनी शुड परचेज द जे आई टी सिस्टम एज There is positive NPV of Rupees two lakh eighty four thousand seven forty eight. Company should purchase the JIT system. Right? सो so, कंपनी को परचेस करना चाहिए जे सिस्टम इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा जे सिस्टम विद कैपिटल बजटिंग पहले हमने सारे रेवेन्यू कैश फ्लोज का एक स्टेटमेंट बना लिया फिर हमने वन टाइम कैश फ्लोज का एक स्टेटमेंट बना लिया कैश इनफ्लो आया एक इसमें इसमें एक, इस एक इस आया कैश आउटफ्लो सो कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है हमको जे सिस्टम परचेस कर लेना चाहिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते एग्जाम में कि जे सिस्टम को मिक्स कर दिया कैब बज से राइट तो आपको करने आने चाहिए लॉजिक लगा के इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू बाय बाय